कैंसर पेशेंट्स कीमोथेरेपी करवाते वक्त यासीन विरद मुबीन सुने, क्योंकि ये तो हेडिंग हो गई। क्योंकि चीज़ ये है कि क्या कहते हैं, ये प्रोसेस प्रूवन है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है और जो आपका दिमाग भटकता है खौफ से और बाकी चीज़ों से, क्योंकि कीमोथेरेपी जो है वो बेसिकली हर चीज़ को सुकड़ देती है, ठीक है ना, बहुत इट्स अ वेरी हार्ड कोर क्या कहते हैं उसे मेडिसिन। चीज़ ये है कि क्या कहते हैं, यासीन विरद मुबीन उसको काम रखती है, कम कर देती है इफ़ेक्ट और शिफा पैदा करती है। कुरान जो है सबील पैदा कर देता है, शिफा जो है वो दवा जो है वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और दुआ जो है वो आपका राइट है। और दुआ के लिए यासीन कुरान कोई भी चीज़, यासीन विरद मुबीन जब आप करा रहे हो वो, जब आप सॉरी जब आप वो करा रहे हो कीमोथेरेपी के सेशंस हों, आपके ड्रिप लगी हुई हो, भले बैठ के बड़े लेट के यासीन विरद मुबीन हेडफोन पे लगाएं, लूप पे लगा के छोड़ दें, जितनी देर ड्रिप चल रही है वो सुनते रहें, आपके इफ़ेक्ट्स भी कम हो जाएंगे, वंडरिंग ऑफ द ब्रेन कम हो जाएगी और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो यासीन विरद मुबीन ओनली, वरना अगर वो नहीं कर सकते तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ज़बान के ऊपर चला लें और करते रहें, वरना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 6000 भी लूप पर लगा के सुन सकते हैं। बट यासीन विरद मुबीन I've seen someone, जो जानने वाले हैं एक मेरी, उनको मैंने कहा था कि यासीन विरद मुबीन कुर्सी पे बैठ के, जब वो वहाँ यूके में कुर्सी के ऊपर कीमो की ड्रिप चढ़ती है, मैंने कहा बैठ के उसने, एंड शी वेंट थ्रू ऑल द सेशंस विदाउट इवन अ कॉफ, पता भी नहीं चला कुछ भी। हाँ थोड़ा बाद में पता चला, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, मगर उस वक्त पता नहीं चला।